एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करना है और यहाँ रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन कर रखा है। ये एक रिलेशन जो है ये एक सेट पे डिफाइंड है। सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। इस सेट पे एक रिलेशन आर डिफाइन कर रखा है। इस आर में जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस टाइप से हैं। तो चलिए वो कह रहा है करेक्ट आंसर को चूज कीजिए। तो चलिए पहले हम खुद ही अपने लेवल पे चेक कर लेते हैं। तो अपने लेवल पे चेक करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? तो देखिए रिफ्लेक्सिव कब होता है, फॉर ऑल ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कैपिटल ए जो सेट है जिस सेट पे ये रिलेशन डिफाइन है उस सेट का जो एवरी एलिमेंट है ए उसके लिए ए कोमा ए आर में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ ये जो स्मॉल ए जो है कैपिटल ए का जो एलिमेंट है तो यहाँ स्मॉल ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। और कैपिटल ए जो सेट है जिस सेट पर हमने रिलेशन आर डिफाइन किया है वहाँ यहाँ पर कैपिटल ए जो सेट होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4। और स्मॉल ये जो पूरा सेट है इसको मैं नाम दे दूंगा कैपिटल ए। आप इस तरह से समझिए इस सेट को मैंने नाम दे दिया ए और इसके एलिमेंट्स यानी कि स्मॉल ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। तो ए के कैपिटल ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं यानी कि स्मॉल ए, फॉर ऑल का मतलब सारे एलिमेंट्स जो है स्मॉल ए यानी कि 1 2 3 4 उनके लिए क्या होना चाहिए, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो पहले बात करते हैं कि क्या वन वन जो ए का एलिमेंट है उसके लिए 1 1 आर का एलिमेंट है क्या? आप चेक करके देखिए, हाँ ये रहा है, ठीक है। क्या 2 belongs to A के लिए 2 2 R का एलिमेंट है क्या? आप देख करके बताइए मुझे, हाँ ये रहा ये एलिमेंट, ये पड़ा तो ये भी है, ठीक है। 3 belongs to A के लिए 3 3 क्या R का एलिमेंट है क्या? है, ठीक है, वो रहा 3 3। क्या 4 4 R का एलिमेंट है क्या? आप चेक करके बताइए, अगर है तो ठीक है। 1 2 3 4 के लिए हमने चेक करके देख लिया, तो 1 2 3 4 यानी ये जितने भी एलिमेंट्स हैं चारों ए के, इसलिए हम यहाँ फोर ऑल ए बिलोंग्स टू ए यानी फोर ऑल ये जो है इसका यूज में लेते हैं, साइन का यूज में लेते हैं, साइन को यूज में लेते हैं। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के लिए वो सारे एलिमेंट्स यानी ए कोमा ए आर में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। बात करते हैं सेकेंड थिंग, वो है हमारा सिमेट्रिक। तो हम चलिए सिमेट्रिक के ये चेक करते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है, देखिए सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए कोमा बी आर का एलिमेंट है तो बी कोमा ए भी आर का एलिमेंट होना चाहिए, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तो एक बात देखिए यहां पे 1 2 के लिए मैं चेक करता हूं। देखिए 1 2 आर का एलिमेंट है बिल्कुल है, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ ए होना चाहिए। और 1 2 ए का एलिमेंट भी है, तो क्या 2 1 भी आर का एलिमेंट है क्या? अगर 2 1 आर का एलिमेंट है चेक करके देखिए है क्या, कहीं आपको दिखाई दे रहा है 2 1? 1 2 तो है, 2 1 है क्या? नहीं है। सो दैट वी कैन से दैट 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 4 1 2 belongs to A, ठीक है ना। अगर 1 2 A का एलिमेंट है और 1 2 R में belong कर रहा है तो 2 1 भी अगर R में belong करता तो हम ये कहते हैं symmetric है, बट यहाँ 2 1 R में belong नहीं कर रहा। तो केवल यहाँ दो एलिमेंट्स के लिए हमने चेक किया, उनके लिए symmetric property फॉलो नहीं हो रही। आगे अगर आप चेक करना चाहे तो वो आप चेक कर सकते थे कि 1 3 है क्या, 3 1 है, नहीं है। हमें तो केवल एक ही एलिमेंट के लिए चेक करना है, अगर एक ही एलिमेंट
अगर R का एक ही एलिमेंट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो बाकी एलिमेंट्स के लिए हम चेक ही नहीं करेंगे, यहीं पे हम कह देंगे कि सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव की पहले आप प्रॉपर्टी को समझिए। ट्रांजिटिव कहते कैसे हैं, ट्रांजिटिव में हम क्या लेके चलते हैं कि ए कोमा बी आर का एलिमेंट है, इफ ए कोमा बी, यहां पे भी इफ लिख दीजिए, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब मैं लिख रहा हूं तो क्या होना चाहिए, इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज दैट का मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि ए कोमा सी भी आर का एलिमेंट होना चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि जो रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव है। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रांजिटिव नहीं है। और ये एलिमेंट्स किसके हैं, ए बी सी के एलिमेंट है, ए बी सी कैपिटल ए के, ए बी सी किसके एलिमेंट है, कैपिटल ए के। तो चलिए एलिमेंट उठा करके देखते हैं, वन कॉमा टू है, अच्छा वन कॉमा टू के बाद टू कॉमा टू भी है ना, एक बार मैं आपको इससे चेक करवा के दिखाता हूं, वन कॉमा टू बिलोंग्स टू आर, हम इसके लिए चेक नहीं करेंगे, वन कॉमा टू इसके लिए भी कर सकते हैं, वन कॉमा टू बिलोंग्स टू आर, चलिए टू कॉमा टू बिलोंग्स टू, टू कॉमा टू बिलोंग्स टू आर। बट यहां आप देखिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलती क्या, देखिए ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, बी कॉमा बी नहीं बोलती, तो यहाँ बी कॉमा बी हो गया ना, यानी दोनों एलिमेंट सेम हो गए, तो हम इसके लिए चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ कोई नया एलिमेंट होना चाहिए, तो वन कॉमा टू एलिमेंट है आर का, तो टू कॉमा कुछ और आ रहा है कि यहाँ पे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो इसको छोड़िए, फिलहाल इसको छोड़िए, हमें इस एलिमेंट से लेना देना ही नहीं है, ये वाला हम लेंगे नहीं। अब दूसरे के लिए चेक करके देखते हैं, 2 कॉमा टू नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ a कॉमा a की बात नहीं करता, 1 कॉमा 1 नहीं लेंगे, 4 कॉमा, अच्छा 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 3 लिया और 3 कॉमा 2 लिया, अब यहाँ कुछ नया हो गया ना, तो यहाँ पे हम ये ले सकते हैं कि 1 कॉमा 3 belongs to R, एंड इफ सिंस यहाँ लिख देंगे, सिंस 1 कॉमा 3 belongs to R एंड 3 कॉमा 2 belongs to R, implies that, है ना, implies that हम ये देख रहे हैं क्या 1 कॉमा 3 R का एलिमेंट है, है बिल्कुल है, 3 कॉमा 2 R का एलिमेंट है, तो यहां तक बात आ कर ली हमने कि 1 कॉमा 3 यानी A कॉमा B और 3 कॉमा 2 यानी B कॉमा C R का एलिमेंट है, तो क्या A कॉमा C R का एलिमेंट है, यानी 1 कॉमा 2 R का एलिमेंट है क्या, हाँ 1 कॉमा 2 R का एलिमेंट है ना, implies that 1 कॉमा 2 is also element of R, implies that हम ये कह सकते हैं R is transitive, तो हम ये कहेंगे कि R क्या है, transitive है, तो ये भी prove हो गया। अच्छा आप और किसी एलिमेंट के लिए देख लीजिए, ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी जहाँ फॉलो नहीं हो रही, कोई और ऐसा एलिमेंट है जो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा, तो ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं मेरे हिसाब से, तो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। कहने का मतलब ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये सेकेंड ऑप्शन है हमारा, बी बी ऑप्शन हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सॉरी 15 में, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है वो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।